हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रवि आदित्य एन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन दी नटश सो इस वीडियो में हम लोग डार्क रूम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अ डार्क रूम इज़ यूज्ड टू प्रोसेस द फोटोग्राफिक फिल्म टू मेक प्रिंट्स एंड टू कैरी आउट अदर एसोसिएटिव टास्क सो डार्क रूम को हम प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं डार्क रूम को हम एक तरीके से प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है हमारी फिल्म प्रोसेस हो के जो हमने एक्सपोजर लिया है उसका इमेज उस पर फॉर्म हो जाता है सो डार्क रूम इज़ यूज टू प्रोसेस फोटोग्राफिक फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म जिस पे हमने पेशेंट का एक्सपोज़र लिया होता है टू मेक प्रिंट्स एंड टू कैरी आउट अदर एसोसिएटिव टास्क डार्क रूम इज़ बेसिकली यूज इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी सो डार्क रूम जो है हमारा कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में यूज़ होता है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में ही मतलब जैसे हमने पेशेंट का एक्सपोज़र लिया और जो हमने फ़िल्म है वो डार्क रूम के अंदर प्रोसेस की यानी वेरियस केमिकल्स फिक्सर डेवलपर और बहुत सारे केमिकल्स रूम मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेड कम्प्लीटली लाइट प्रूफ टू अवॉइड फिल्म फॉग एंड शुड बी वेल वेंटिलेटेड जो हमारा डार्क रूम है वो जो है लाइट प्रूफ होना चाहिए यानी कहीं से भी लाइट की लीकेज नहीं होना चाहिए अगर लाइट का लीकेज होता है तो जो हमारी फिल्म है उस पर फॉग फॉग हो जाएगी यानी फिल्म फॉग का मतलब है कि जो हमारी इमेज वो करेक्टली फॉर्म नहीं हो पाएगी और फिल्म का जो है डैमेज भी होगा उसको ही हम फिल्म फॉग कहते हैं नेक्स्ट हमारा डार्क रूम का लेआउट यानी डार्क रूम जो हमारा किस तरीके का होना चाहिए द रूम मस्ट बी कैपेबल ऑफ बींग कम्पलीटली लाइट प्रूफ मैंने पहले ही बताया जो हमारा डार्क रूम है वो कम्प्लीटली लाइट प्रूफ होना चाहिए जो हमारा रूम है वो कम्पलीटली लाइट प्रूफ होना चाहिए उसके अंदर कहीं से भी लाइट की एंट्री नहीं होनी चाहिए द रूम शुड बी सेट असाइड एज अ परमानेंट डार्क रूम आइडियली विथ फ्लोर एरिया ऑफ नॉट लेस देन टेन स्क्वायर मीटर जो हमारा डार्क रूम है वो परमानेंट होना चाहिए यानी जो हमारा स्पेसिफिक रूम है वो हम फिल्म के प्रोसेस के लिए यूज़ करें किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ ना करें और जो हमारा डार्क रूम है उसका साइज़ अप्रॉक्स टेन स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए टेन स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए कभी कम नहीं होना चाहिए द रूम शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी जो हमारा रूम है ऐसी जगह सिचुएटेड हो जहाँ पर हाई टेम्परेचर ना हो जो हमारा रूम है वो ऐसी जगह सिचुएटेड हो जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर ना हो इससे क्या होगा कि जो हमारी फिल्म है उसको डैमेज होने का भी डर रहता है फिल्म और कैसेट का और हमारी फिल्म मतलब जो हमारा ये प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से नहीं कैरी आउट हो सके अच्छी तरीके से ये कन्फर्म ना हो सके जो हमारा ये प्रोसेस है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वाटर एंड इलेक्ट्रिकल आउटलेट शुड भी प्रोवाइडेड बॉडनी जो हमारा डार्क रूम है उसको वाटर एज वेल एज़ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई हो वाटर एज वेल एक्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई हो रूम में नेक्स्ट पॉइंट जो है इट शुड बी नियर द एक्स रे एग्जामिनेशन रूम यानी जो हमारा डार्क रूम है वो एक्स रे एग्जामिनेशन रूम के पास ही होना चाहिए यानी चारों तरफ एक तरीके से चारों तरफ एक्स रे एग्जामिनेशन रूम और बीच में डार्क रूम होना चाहिए ऐसा इसलिए ताकि जो हमारी फिल्म है वो हम एक्सपोजर दे के डायरेक्ट डार्क रूम के अंदर भेज सकें वॉल शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाई सॉलिड कंक्रीट डार्क रूम की जो वॉल है वो सॉलिड कंक्रीट से बनी होनी चाहिए अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए जो डार्क रूम की वॉल होनी चाहिए वो सॉलिड कंक्रीट से बनी होनी चाहिए और 15 सेंटीमीटर की थिकनेस हो वॉल की द वॉल और सीलिंग शुड बी पेंटेड बाय वाइट और क्रीम कलर इनेमल एज सच एज पेंट एक्ट एज गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारी सीलिंग और वॉल है वो जो है क्रीम और वाइट कलर में पेंट होनी चाहिए ऐसा इसलिए ताकि ये जो है एज अ गुड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस काम करती है हमारी सेफ लाइट के लिए तो ये था हमारा डार्क रूम का लेआउट आउट की डाक रूम का जो हमारा लेआउट कैसा होना चाहिए उसके बाद आता है कि हमारा डार्क रूम जो है कहाँ लोकेट होना लोकेशन यानी डार्क रूम का लोकेशन कहाँ होना चाहिए सबसे पहला आता है सेंट्रली लोकेटेड डार्क रूम जो हमारे सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए यानी बीच में हमारा डार्क रूम होना चाहिए और चारों तरफ एक्सरे रूम होने चाहिए जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल तीन एक्सरे रूम है तो बीच में हमारा डार्क रूम हो गया एक्सरे रूम वन एक्सरे रूम टू एंड एक्सरे रूम थ्री तीनों के बीच में होना चाहिए हमारे डार्क रूम स्विचेस बाय हैच फ्रॉम द एडजस्टिड इमेजिंग रूम ये हैचेस का मतलब होता है कि हमारे डार्क रूम में हैचेस लगे होते हैं जहाँ से हम अनएपोज फिल्म ले सके और उस और दूसरे विंडो से एक्सपोज फिल्म दे सके सकेच का मतलब होता है कि एक बॉक्स टाइप मतलब विंडो टाइप होते हैं जो एक ही बार में हम एक डोर खोल सकते हैं एक sure. राम डैम्प और हॉट एरियाज जो डार्क रूम है वो डैम्प और हॉट एरिया से दूर रहना चाहिए डैम्प यानी जहाँ पर मॉइस्चराइज़र हो और हॉट यानी जहाँ गर्म एरिया से दूर होना चाहिए इससे क्या होता है कि हमारी जो फिल्म है और कैसेट है और कैसेट है उनके ख़राब होने का चांस रहता है एसेसिबल इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई मैंने पहले बताया कि जो हमारा लोकेशन है वहाँ पे प्रॉपर पावर एज़ वेल एज वाटर का सप्लाई आता है हमारा साइज़ जो हमारा मिनिमम फ्लोर एरिया होना चाहिए डार्क रूम का वो होता है जो होता है टेन स्क्वायर मीटर होना चाहिए हमारे जो डार्क रूम का साइज़ होना चाहिए एरिया और जो हमारी सीलिंग की हाइट होनी चाहिए वो अप्रॉक्स 2.5 से 3 मीटर्स होनी चाहिए जो हमारी सीलिंग की हाइट होनी चाहिए वो 2.5 से 3 मीटर होनी चाहिए हमारे फ्लोर का एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए ज़्यादा हो सकता है ये डिपार डिपार्टमेंट पर बेस करता है कि हमने कितना हम कितना बड़ा ले सकते हैं अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो हम डार्क रूम के लिए एरिया ज़्यादा भी ले सकते हैं बट टेन स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए भले ही ज़्यादा हो जाए हमको सीलिंग में प्लास्टर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टर यूज़ करने से फ्लेक्स का प्रोडक्शन होता है फ्लेक्स के प्रोडक्शन से हमारे फिल्म और कैसेट के डैमेज होने का चांस रहता है हमको सीलिंग में मॉडर्न इमल्शन का यूज़ करना चाहिए हमको डार्क रूम के जो सीलिंग्स है उसमें मॉडर्न इमर्शन का यूज़ करना चाहिए वाटर पाइप्स इलेक्ट्रिसिटी कंडिक्स और एयर डक्ट शुड बी इनक्लोज अबव अ फॉल सीलिंग यानी जो हमारे सीलिंग में वाटर पाइप्स होंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई और एयर डक्ट्स है उनको हमको अच्छी तरीके से इनक्लोज़ करना चाहिए क्योंकि फर्दर कभी भी अगर वाटर पाइप्स में लीकेज होती है तो लीकेज होती है या इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई में कुछ डैमेज होता है सो so ये हमारी फिल्म और कैसेट को डैमेज कर सकती हैं उसके बाद आता है हमारे वॉल्स लाइट इन कलर टू रिफ़्लेक्ट एज़ मच लाइट एज़ पॉसिबल ऑन टू द वर्किंग स्पेस जो हमारी वॉल्स है वो लाइट होनी चाहिए कलर में ताकि वो हमारे लाइट को रिफ़्लेक्ट कर सके हमारे वर्किंग स्पेस पे ईजी टू वाइप एंड क्लीन वॉल्स हमारे ऐसे रहने चाहिए ताकि हम उनको ईजिली वाइप कर सकें और अच्छे से क्लीन कर सकें कवर्ड विथ केमिकल रजिस्टेंस मटीरियल जो हमारे वॉल्स हैं वो केमिकल रजिस्टेंट मटीरियल से कवर होने चाहिए ऐसा इसलिए कि हम डार्क रूम के अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं और केमिकल्स यूज़ करने के कारण कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे वॉल्स पर लग जाते हैं सो so, वॉल्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए वॉल्स जो जो होने चाहिए हमारे वो बेसिकली केमिकल रेजिस्टेंस होने चाहिए हमको वॉल्स के अंदर स्पेशल पेंट्स यूज़ करने चाहिए जैसे सीरेमिक हो गया वेरनिस और प्लास्टिक वॉल्स यूज़ करनी चाहिए रेगुलर वॉशिंग विथ वाटर टू रिमूव डस्ट और वॉल्स जो है हमारे रेगुलर वॉश होने चाहिए ताकि जो हमारे डस्ट हैं वो डे बाई डे रिमूव हो हो इसके बाद आते हैं हमारे फ्लोर्स डार्क रूम के जो फ्लोर्स होने चाहिए वो नॉन फ्लो नॉन पोरस फ्लोरिंग होनी चाहिए नॉन पोरस फ्लोरिंग यानी जो हमारे फ्लोर्स है उनमें किसी भी जगह छेद नहीं होना चाहिए नॉन स्लिप फ्लोरिंग यानी वो स्लिपेबल नहीं होने चाहिए हम वेरियस केमिकल और वाटर्स का यूज़ करते हैं सो so, हम केमिकल्स और वाटर यूज़ करते हैं तो हमको ऐसे फ्लोर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे स्लिप होने के कम चांसेस रहें फ्लोर जो है फ्लोर जो है हमारे केमिकल रेजिस्टेंट होने चाहिए क्योंकि मैंने पिछले में बताया क्योंकि हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं इसलिए फ्लोर्स भी हमारे केमिकल रेजिस्टेंट होने चाहिए स्टेन प्रूफ फ्लोर्स हमारे स्टेन प्रूफ होने चाहिए ऐसा इसलिए ताकि स्टेन जो है हमारे फ्लोर्स पे लग ना पाए केमिकल्स के स्टेन या किसी भी चीज़ के जो स्टेन्स है हमारे फ्लोर पे लग ना पाए ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन फ्लोर्स जो है हमारे ड्यूरेबल हो और ईजी टू मेंटेन हो सो so, हम फ्लोर्स पे जो है एसफेल टाइल्स यूज़ करते हैं क्ले के टाइल्स यूज़ करते हैं और प्रोक्लेन टाइल्स यूज़ करते हैं सो so, इस वीडियो में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क रूम देखा कि हमारा जो है डार्क रूम क्या होता है डार्क रूम का लेआउट क्या होता है डार्क रूम की सीलिंग देखी हमने कि डार्क रूम की सीलिंग्स कैसे होती है डार्क रूम के वॉल्स कैसे होते हैं एंड डार्क रूम के फ्लोर्स कैसे होते हैं